डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी मानने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा दी है। दो अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा हुई है और ये दोनों सजाएं गुरमीत राम रहीम को अलग अलग गुजारनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और कहा कि जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने बलात्कार किया। इस दौरान गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट में माफी मांगी, अपने सामाजिक कार्यों का हवाला भी दिया, सजा में नरमी की अपील भी की, लेकिन कोई भी बात यहां सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने नहीं सुनी। फैसला सुनते ही राम रहीम कोर्ट में फर्श पर बैठ गए, फफक फफक कर रोने लगे और राम रहीम को जबरदस्ती वहां से ले जाया गया। गुरमीत राम रहीम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। और दूसरी बात यह कि सिरसा में आगजनी की खबरें यहां पर आई हैं, दिल्ली और एनसीआर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फैसला सुनाए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम को कैदी नंबर 1997 देते हुए जेल के कपड़े दे दिए गए हैं, सेल भी अलॉट कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गुरमीत राम रहीम को 10 साल की नहीं बल्कि 20 साल की सजा होगी, क्योंकि ये दो बलात्कार केसेस का मामला था और कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए कहा कि गुरमीत राम रहीम जो कि यहां पर खुद सेवियर थे, खुद बचाने वाले थे, उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है इसलिए उन्हें 10-10 साल की सजा यहां पर काटनी होगी। हर केस में 10 साल की सजा, दो रेप केसेस हैं तो 20 साल की सजा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यहां पर सुनाई है। और सजा सुनाने के बाद गुरमीत राम रहीम वहीं फर्श पर बैठ गए, रोने लगे, अपने सामाजिक कार्यों का हवाला भी दिया, अपनी तबियत का हवाला भी दिया, लेकिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एक ना सुनी और 20 साल की सजा यहां पर सुना दी। कैदी नंबर 1997 अब गुरमीत राम रहीम कहलाएंगे, सेल भी उन्हें अलॉट कर दिया गया है, जेल के कपड़े भी दे दिए गए हैं, अब वो जेल के कपड़े पहनेंगे, जेल की रोटी खाएंगे अगले 20 साल तक। लेकिन डेरा सच्चा सौदा ने कहा है कि हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। क्या कुछ कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे सीबीआई कोर्ट ने आज सजा की जो अवधि सुनाई है उसमें दो युवतियों के इस प्रकार के केस में और ये सजा सुनाई गई है, 10 साल एक में, 10 साल दूसरे में, कुल मिलाकर के 20 साल की ये सजा हुई है और दोनों में 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका एक सम्मान किया जाएगा और हमने इस सारे केस को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अंदर जो सारे इंतजाम किए हैं वो ठीक प्रकार से किए हैं और किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में मोटे तौर पर इस समय शांति बनी हुई है और मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि इस निर्णय आने के बाद भी वो शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने की अपील यहां पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पुख्ता यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इसलिए किसी तरह की अनहोनी और किसी तरह की घटना नहीं हो सकती है। सुनिए पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है। ऐसे हम ऐसे कोई बात नहीं चाहिए हमें जहां इसमें कोई गड़बड़ हो। ये जो अदालत ने अपना सुना दिया, नाउ यू मस्ट एक्सेप्ट दैट टोटली नॉर्मल सी है। हमारी फोर्स बोथ सिविल एंड पुलिस आर ऑन देयर टोज, टोटल मोरल हाई है फोर्स का एंड कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होने देंगे यहाँ। और गुरमीत राम रहीम के वकील का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। के बाद उन्होंने ये भी कहा कि 15 लाख रुपए फाइन एक मैटर में और दूसरे में भी 15 लाख रुपए लड़कियों को देना, लड़की को देना कंपनसेशन, दूसरे केस में भी 14 लाख रुपए लड़की को। केस में बहुत लीनियंट व्यू लेना चाहिए क्योंकि ये 18 साल पुराना केस है और उसके बाद से आज तक इनके खिलाफ कोई और कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ है और कोई सजा नहीं हुई है और स्वास्थ्य का भी हमने कोर्ट को बताया और जो इन्होंने मानवता भलाई के कार्य किए उनके बारे भी, जो 133 कार्य हैं उनके बारे भी हमने माननीय अदालत को बताया था कि भी इतना बड़ा काम ये समाज के लिए कर रहे हैं तो इनकी सजा कम से कम की जाए। तो माननीय अदालत ने सुनने के पश्चात फिर ये फैसला।
बिल्कुल नहीं सुना माननीय अदालत ने। गुरमीत राम रहीम के वकील कह रहे हैं कि ये 15-18 साल पुराना मामला है, लेकिन उसके बाद इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी केस में इनका नाम नहीं आया, और ये इस बिना पर उनकी सजा कम होनी चाहिए थी, ये बात कह रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजन यहां पर ज्यादा अपडेट के लोग हैं। राजन, अब तक जो कंफ्यूजन था कि 10 साल की सजा होगी, अब क्लैरिटी आ गई है, दो रेप केसेस हैं, दो मामलों में दोषी करार है, इसलिए 20 साल की सजा है, यानी कि 20 साल के लिए अब गुरमीत राम रहीम यहां जेल में डेरा लगाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दो केस थे, गुमनाम चिट्ठी में दो साध्वियों ने यहाँ पर चिट्ठी लिखी थी, दोनों केसों को अलग अलग माना है कोर्ट ने। एक केस के अंदर जो है जो सजाएं दी गई है वो कॉन्क्रेंट चलेंगी, दूसरे केस की जो सभी सजा है वो कॉन्क्रेंट चलेंगी, लेकिन दोनों केस अलग अलग माने गए हैं, तो दोनों केसों की जो टोटल सजा है, जो मैक्सिमम जो सजा है वो कॉन्जिक्यूटिव वो अलग अलग मानी गई है, तो टोटल वो 10-10 साल है, वो 20 साल मानी गई है। 20 साल तक डेरा प्रमुख को जेल के अंदर अब काटने होंगे। बिल्कुल राजन, एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताइए यहाँ पर कि फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि सिरसा में दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, मोगा में भी यहाँ पर हाई अलर्ट है और कर्फ्यू लग गया है, ऐसे में बाकी एरियाज से क्या कुछ अपडेट आपको आ रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल? जी देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी जो एसपी है रोहतक के पंकज नैन, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोहतक शहर के अंदर ऐसी कोई भी अभी तक घटना नहीं मिली है, पूरी तरीके से पुलिस जो है वो मुस्तैद है, कोई भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए बाकायदा पहले से फोर्सेज मंगा ली गई थी, और उसी के आधार पर आपको बता दें कुछ ही देर पहले एसपी जो पंकज नैन है उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी अप्रिय घटना अभी तक नोट नहीं की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजन इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल रोहतक जेल में गुरमीत राम रहीम है।